उधर राजधानी शिमला में वीकेंड पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। शिमला में हुई बर्फबारी के बाद से भारी तादाद में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड पर शिमला के होटल्स में 70% तक ऑक्यूपेंसी रही। ऐसे में अब पर्यटक के आने से कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। शनिवार को रिज मैदान माल रोड पर पर्यटकों की दिन भर भीड़ देखने को मिल रही है। शिमला में वैलेंटाइन डे मनाने के लिए भी काफी संख्या में पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग कर ली। मैरिज को एक्चुअली 24 इयर्स हो गए हैं, तो मतलब सेलिब्रेट करने का मूड है यहीं पे, तो करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। हमारी शादी को हमने रिसेंटली शादी हुई है एंड इट इज़ जस्ट 2 months दैट वी गॉट मैरिड। देखो ये हमारे लिए बहुत ही लकी दिन है क्योंकि हमारी अभी अभी शादी हुई है और हमारे फर्स्ट वैलेंटाइन डे है, तो हम ये चाह रहे थे कि हम एक ऐसी जगह पर अपना टाइम स्पेंड करें जहाँ पर हमारे को सुकून की लाइफ और एक अच्छा नज़ारा मिले। तो जो शिमला में मेरे को जो व्यू मिला है इट वाज रियली नाइस, इट इज़ रियली अमेजिंग, विच आई नेवर फेल दैट इट वुड बी सच अ नाइस प्लेस। सर शादी को तो हमारे 28 साल हो गए, लगते नहीं है लेकिन और कोशिश करते हैं हर साल शिमला आएँ या कहीं मंसूरी जाएँ, इंजॉय करें। और वैलेंटाइन की बात रही तो आज मना रहे हैं, कल तो वापसी है। 10 साल हो गए मेरी मैरिज को, 10 साल बाद मैं कहा चलो शिमला चलते, 10th एनिवर्सरी यहाँ मनाने आया हूँ, एनिवर्सरी भी मनाने आया और वैलेंटाइन डे भी मनाने आया, बहुत इन्जॉय करेंगे। मनाली भी मैं गया हूँ दो तीन बार गया हूँ मनाली, लेकिन देखेंगे शिमला में पहली बार देखेंगे स्नोफॉल। तो वहीं हमारे संवाददाता नीरज डोगरा ने शिमला के रिज मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट में। पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए भारी संख्या में बाहरी राज्यों से पर्यटक राजधानी शिमला का रुख करते हैं। ऐसे में कल जो है यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे भी है, ऐसे में लोग पर्यटक जो हैं भारी संख्या में राजधानी शिमला का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान की आपके साथ ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। वहीं कारोबारियों के लिए जो है कहीं ना कहीं राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल कोरोना था उसके चलते जो है वैलेंटाइंस डे जो था कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार जो है भारी संख्या में पर्यटक राजधानी शिमला का रुख कर रहे हैं। और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जो है कल से मौसम हिमाचल प्रदेश में खराब बना रहने की संभावना जताई गई है। मध्य व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश की संभावना जताई गई है, हालांकि मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी। नीरज डोगरा, जनता टीवी, शिमला।